वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में पुलिस फरवरी को आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर विवादों में गिर गई थी और हजारों की संख्या में इको गार्डन में प्रदेश भर के युवा बेरोजगार इस परीक्षा को निरस्त कर दोबारा परीक्षा कराने की अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। आज वो घड़ी भी आई, इको गार्डन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब शासन के तरफ से ये निर्णय हुआ कि ये परीक्षा निरस्त की जाती है और मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 6 महीने के अंदर परीक्षा पुनः कराई जाएगी, अभ्यर्थियों से किसी तरह का कोई फीस नहीं लिया जाएगा और दोबारा ये परीक्षा पूरी शुचिता के साथ आयोजित की जाएगी। इतना ही नहीं, इस भर्ती प्रक्रिया में जो लीक की घटना देखने को मिली उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने, दोषियों पे सजा दिलाने जैसी बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। अब देखना होगा कि आगे चलकर कितने दोषी पकड़े जाते हैं या दोषियों को सजा क्या होती है। फिलहाल ये परीक्षा निरस्त कर दी गई है और यहाँ पे जो आंदोलनरत छात्र थे अब यहाँ से उठकर अपने अपने घरों को जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये परीक्षार्थी कहने के लिए पुलिस प्रशासन भी आ गया है और उनको अपने घर जाने के लिए कह रहा है और सारे आंदोलनरत अब अभ्यर्थी अपने घर के लिए निकल रहे हैं जश्न मनाते हुए। तस्वीरों में भी आप देखे हैं किस तरह से अभ्यर्थी जश्न मना रहे हैं, खुशी से एक दूसरे के ऊपर ये नाचते झूमते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी अपने घरों के लिए निकलेंगे। आइए हम बात करते हैं पुलिस सेवा के सिपाही भर्ती में शामिल हुए कुछ छात्रों से। आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपने भी दिया था? लखनऊ के ही हम लोग। आपने भी दिया था? जी जी बिल्कुल दिया था। तो सरकार निरस्त करती है क्या आप? हम लोग बहुत खुश हैं और जो भी छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उनको वापस से मौका मिलेगा और हमें ऐसा लगता है कि अब मतलब जो भी भ्रष्टाचार हुआ है एक अच्छे आरक्षी यहाँ पे भर्ती होंगे। आपकी जो एग्जाम होगा उसमें कोई भी पेपर लीक ना हो, हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से। जी बिल्कुल, हम भी लखनऊ। सौम्यता नाम है मेरा। सर मैं ग्रेटर नोएडा नोएडा से आया हूँ सर, गौतम बुद्ध नगर से। सर मैं बहुत खुश हूँ कि जो पेपर है वो जो निरस्त कर दिया गया है ताकि कोई भी दलाल अब ना लगे, क्योंकि सर जो दलाल लगता है उसके सर उसकी जो वर्दी है ना सर, इसके घूस की बदबू आती है और जो जो सर ईमानदारी से लगता है वो पसीने की खुशबू आती है सर। इसलिए मैं चाहता हूँ ईमानदारी से लगे और माननीय सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार है थोड़ी लेट सुनी लेकिन हमारी सुनी और पेपर निरस्त किया। हजारों लाखों बच्चों के चेहरे पर खुशी है सर। ये चलिए ये वो छात्र हैं जिनके चेहरे पे खुशी देखने को मिली है सरकार द्वारा लिया गया निर्णय कि अब दोबारा ये एग्जाम कराया जाएगा और ये जो भर्ती लीक हुई है, जो पेपर लीक हुए हैं, कहीं ना कहीं इस पे एक जांच बैठाई जाएगी और कठोर से कठोर निर्णय लिया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और वास्तव में ये छात्रों की प्रसन्नता ऐसे नहीं है। 4 दिन से आंदोलनरत छात्र, क्या रात क्या दिन, इस सर्दी में अगर कोई आंदोलन करता हो तो जरूर उसके तपस्या को समझा जा सकता है कि कितना बड़ा त्याग होगा। वर्षों जो छात्र पढ़ाई करते हैं और अगर इस तरह से पेपर लीक होते हैं तो कहीं ना कहीं उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो होता ही है। फिलहाल सभी छात्र कहीं ना कहीं सरकार के निर्णय से खुश हैं, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भले हमारी मांगे थोड़ी लेट ही सुनी गई लेकिन हम सरकार का धन्यवाद देते हैं और कहीं ना कहीं अब न्याय की उम्मीद जगी है और अगली जो परीक्षा होगी पूरी शुचिता और ईमानदारी के साथ होगी और हम लोगों का भविष्य अच्छे से तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10 लखनऊ।